2016 की बैच की आरएस अफसर प्रियंका बिश्नोई। बुधवार देर रात को उनका सिम्स हॉस्पिटल में इलाज के दौरान निधन हो गया। समाज और पूरी प्रशासनिक सेवा में एक अपूर्णीय क्षति है। प्रियंका बिश्नोई 2016 की आरएस अफसर थी। इसके बाद वो लगातार चूरू, विजयनगर और डूंगरपुर में उनकी पोस्टिंग रही और इसके बाद अगस्त महीने में उन्होंने जोधपुर में एसडीएम का पद पर ज्वाइनिंग की थी। 20 दिन पहले ही बच्चेदानी का ऑपरेशन हुआ था प्रियंका को। पेट में उनका दर्द हो रहा था, इसके बाद वसुंधरा हॉस्पिटल में बच्चेदानी का ऑपरेशन किया गया। इसके बाद लगातार उनकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई। उनको वहाँ से अहमदाबाद की सिम्स हॉस्पिटल में रेफर किया गया। वहाँ पर उन्होंने 15 दिन तक जिंदगी और मौत की जंग लड़ी और आखिरकार कल देर रात को उनकी जंग है वो हार गई। प्रियंका बिश्नोई एक महिला सशक्तिकरण का अच्छा उदाहरण थी समाज के अंदर। और वहीं कुछ ही दिन पहले उनका एक वीडियो काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था और काफ़ी लोग उनसे इंस्पायर भी हो रहे थे इस वीडियो से। वो समाज की एक होनहार बेटी के रूप में पहचान बनाती हैं और समाज के ही एक इसी मंच पर उन्होंने एक स्पीच दिया था और वो वीडियो उनका काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने पूरा बताया कि किस तरह से वो एसडीएम बनने के लिए उनको जो प्रेरणा है वो कहाँ से मिली। जब बचपन में वो स्कूल में पढ़ा करती थी और उपखंड अधिकारी उनके स्कूल में आते हैं, उनकी गाड़ी को देखती है और जब वो बचपन में उनका बाल मन जो है वो सम्मोहित हो जाता है और वो सोचते हैं कि उनको भी एक अफसर बनना है। 2017 में जोधपुर के फलोदी के रहने वाले आबकारी इंस्पेक्टर विक्रम बिश्नोई से प्रियंका की शादी होती है। प्रियंका के ससुर जी जो है वो पुलिस विभाग से रिटायर है। बीकानेर के नोखा की रहने वाली है मूलतः प्रियंका। इसके बाद लगातार जो प्रियंका के घर वाले हैं, उनके परिजन हैं और बिश्नोई समाज के लोग हैं, उनका आरोप है कि वसुंधरा हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं उनकी लापरवाही के कारण प्रियंका की तबीयत है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ी, कि उनको बेहोशी की दवाई का डबल डोज दे दिया गया जिससे उनका ज़्यादा ब्लीडिंग हुई और उनकी हालात जो है और ज़्यादा बिगड़ते गए। इसके बाद उनको अहमदाबाद में रेफ़र किया गया। अभी बिश्नोई समाज के लोग हैं वो एम्स के बाहर धरने पर बैठे हैं। उन लोगों की मांग है कि जो सीबीआई है वो गठित की जाए। बिश्नोई महासभा के अध्यक्ष देवेंद्र बूरिया का कहना है कि प्रियंका बिश्नोई की मौत के लिए ये कोई एक साजिश है, इसके लिए पूरे वसुंधरा हॉस्पिटल का प्रशासन है वो जिम्मेदार है। उन्होंने सीबीआई गठित करने की मांग की है कि इसमें पूरी सीबीआई से जांच करवाई जाए। ये देवेंद्र बूरिया ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करके अपनी मांग है वो रखी है। वहीं बिश्नोई समाज के लोग, प्रियंका बिश्नोई के परिजन सब एम्स के बाहर धरने पर बैठे हैं। उनकी मांग है कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो और जांच की जाए कि उन्होंने ऐसा क्या किया था कि प्रियंका की इतनी हालत है वो ख़राब हो गई थी। प्रियंका के ससुर सहीराम बिश्नोई ने जोधपुर जिला कलेक्टर को लिखकर एक पत्र दिया था। उन्होंने कहा था कि जो वसुंधरा हॉस्पिटल के प्रशासन है उनके खिलाफ कार्रवाई हो और जांच हो कि उनको बेहोशी की दवाई का डबल डोज प्रियंका को दिया गया था और इसी कारण प्रियंका की हालत है वो और ज़्यादा नाजुक होती गई।